हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद खुशबू। तो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए बथुआ के स्टफिंग वाले पराठे। तो जैसे कि सर्दियों में बथुआ साग बहुत अच्छा आता है और हम इसकी न्यू डिश बनाते हैं, तो उसी में से एक है बथुआ और आलू की स्टफिंग के पराठे। तो चलिए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ये बथुआ साग लिया है और इसको मैंने बहुत अच्छे से साफ करके 2 से 3 पानी से वॉश कर लिया है। इसमें मिट्टी बहुत होती है। साथ में मैंने 2 आलू लिए हैं, ये बॉयल आलू हैं जिसकी हम स्टफिंग बनाएंगे। इसके साथ ही फ्रेंड्स, हम लेंगे गेहूं का आटा। तो गेहूं के आटे से ही पराठे बहुत अच्छे बनते हैं, तो ये मैंने आटा ले लिया है। तो सबसे पहले हम बथुआ को काट लेंगे। तो मेन है इन 3 चीज़ों की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, ये बथुआ को मैंने बहुत ही बारीक बारीक चॉपिंग कर लिया है, आटे में मिलाकर इसको गूंदेंगे। अब आटे में सबसे पहले मैंने जीरा डाल दिया है, साथ में मैंने डाल दिया है अजवाइन। अब मैं 1 चम्मच नमक डालूंगी, स्वाद के अनुसार लाल मिर्ची 2 चम्मच भर के मैंने डाल दी है। हल्दी का पाउडर डाल दूंगी, ये गरम मसाला है, और कश्मीरी लाल मिर्च। इसके साथ हरा धनिया डाल दिया है, और जो मैंने बथुआ काट के रखा था साग, वो बहुत अच्छे से डालकर इसमें मिक्स करते हुए हाथों की हेल्प से। इसके बाद हम इसको सारा मसाला मिक्स कर लेंगे आटे में। उसके बाद हम डालेंगे मोयन। तो फ्रेंड्स, ये 2 चम्मच भर के मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। आप घी का भी यूज़ कर सकते हैं, तो मोयन देना ज़रूरी है, इससे हमारे जो पराठे हैं वो बहुत सॉफ्ट बनते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी लेते हुए हम बहुत अच्छा सा इसका डो लगा लेंगे, ना तो ज़्यादा आटे को हम सख्त गूंदेंगे और ना ज़्यादा सॉफ्ट। तो इस प्लेन सिंपल ही पानी मैंने लिया है, गुनगुना पानी का यूज़ मैं नहीं कर रही हूँ। इस तरह इसको सानते हुए आटे को हम इसका डो बना के 15 से 20 मिनट के लिए इसको रेस्ट के लिए रखेंगे, और उसके बाद ही हम इसके पराठे बनाना स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगाकर मैं इसको ग्रीस कर दूंगी, इससे हमारे बहुत अच्छे बनते हैं पराठे। तो फ्रेंड, 2 आलू जो मैंने लिए थे उसको मैं ग्रेट कर लूँगी अच्छे से, इससे पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। आप हाथ से भी इसको मैश कर सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे, लेकिन इस तरह से करने से सारे ही आलू एक जैसे हो जाते हैं और पराठे की स्टफिंग में दिक्कत बिल्कुल नहीं आती। तो मैं दोनों आलूओं को इस तरह से कद्दूकस कर लिया है मैंने। अब हम इसमें मसाला मिक्स करेंगे। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है मैंने, आपने लाल मिर्च डाल दी है, और थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला और कश्मीरी लाल मिर्ची, हरा धनिया डाल देंगे, और इन सबको बहुत अच्छे से मिक्स करते हुए ये मैं हरी मिर्च डाल दी है मैंने, इसकी स्टफिंग बनाकर हम रख लेंगे और पराठों को अंदर हम इसकी स्टफिंग देंगे। तो नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ये एक पराठे के लिए डो ले लिया है, ये जो मैंने अभी बथुए का बनाकर रखा था। अब इसको मैं आटे के साथ, सूखे आटे में मैं इसको कोट करके थोड़ा सा इसको बेलना है स्टफिंग के लिए। तो इस तरह से थोड़ा सा बेल कर हम इसको बड़ा करेंगे जिससे कि हम इसमें आलू भर सकें। तो फ्रेंड्स, मैंने ये अभी जो बनाई थी आलू की स्टफिंग मैंने आपको दिखाई थी, तो उसी को मैं इसके बीच में रखूँगी। आप 1 चम्मच रख सकते हैं, 2 चम्मच रख सकते हैं, जितनी स्टफिंग आपको अच्छी लगे। ज़्यादा भरवा खाना चाहते हैं मसाले का तो आप भर सकते हैं इसमें, लेकिन इतना ही भरना है कि जिससे हमें बेलने में दिक्कत ना आए। तो मैंने 2 चम्मच डाल दिया है। इस तरह से आटे को बीच से गोल करते हुए इसको दबाकर बीच में हम प्रेस करेंगे, और उसके बाद हम इसको सूखा आटा लगाएंगे, और सूखे आटे में हम इसको लगाने के बाद इसको बहुत जेंटली हमें बेलना है जिससे कि ये फटे ना। धीरे धीरे बेलते हुए बीच बीच में अगर आपको ज़रूरत लगेगी तो आप सूखा वाला आटा लगा सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने इस तरह से गोल साइज में बना लिया है। जितना बड़ा जितना छोटा आप बनाना चाहते हैं आप इसको बेल सकते हैं। तो ये पराठा रेडी हो गया है। अब मैंने दूसरा डो ले लिया है, और सेम प्रोसेस से सूखे आटे में डिप करके थोड़ा सा बेलेंगे, साथ में स्टफिंग रखेंगे, और इसको फ्रेंड्स गोल करते हुए जेंटली प्रेस करेंगे, और ड्राई आटे में लगाकर इसका भी हम बहुत अच्छा सा पराठा गोल बेल लेंगे। तो फ्रेंड्स, 2 पराठे बनाकर मैंने इसके रेडी कर लिए हैं। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने गैस पे रख दिया है तवा, और तवे को हल्का सा तेल लगाकर मैंने ग्रीस कर लिया है। अब मैं पराठा डालकर
इसको इस तरह से गोल घुमाते हुए इसको तल लेंगे। इसको मैंने फ्लिप कर दिया है, आप रिफाइंड ऑयल घी कुछ भी ला सकते हैं, मैं ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से इसको प्रेस करते हुए दोनों साइड से ऑयल लगाकर बहुत अच्छे से सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट में आप बथुआ के आलू के साथ स्टफिंग देकर आप पराठे बनाकर देखिए, ये बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत हेल्दी होते हैं और बच्चों को भी खिलाने में इजी रहेगा। ऐसे तो साग वो नहीं खाएंगे, लेकिन अगर आप पराठे बना देंगे तो ईजिली वो खा लेंगे। तो आप इसको ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बना सकते हैं, ये बहुत हेल्दी भी होते हैं, बहुत टेस्टी भी होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने दो पराठे बनाकर रेडी कर लिए हैं और ये खाने में बहुत अच्छे हैं। तो सर्दियों में आप बथुए का यूज़ करें और इसको ज़रूर बनाएं। तो ये मेरा बनकर रेडी हो गया है, इसको सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरे दोनों पराठे बनकर, बथुआ के आलू के स्टफिंग के पराठे बनकर रेडी हो गए हैं। तो आप इसको दही के साथ, हरी चटनी के साथ, सॉस के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में रख सकते हैं। तो आप इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।